तालिबान के कब्जे के बाद आई दुनिया भर से प्रतिक्रिया। पाकिस्तान, ईरान जैसे देशों ने कही बड़ी बात। अफगानिस्तान में तालिबान का राज लौटने से भले ही लाखों लोग बेचैन है और अपने ही वतन को छोड़ने के लिए मजबूर है, लेकिन तालिबान खान कहे जाने वाले इमरान खान ने भी एक बार फिर से अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। पाक पीएम इमरान खान ने सोमवार को तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने का स्वागत किया। यही नहीं, उन्होंने तालिबान की वापसी को दास्ती की जंजीरों को तोड़ने वाला बताया है। महिलाओं, युवाओं और आधुनिकतावादी विचारों को मानने वाले लोगों के लिए खतरनाक तालिबान का चीन और ईरान ने भी स्वागत किया है। एक तरफ चीन ने उम्मीद जताई है कि तालिबान का शासन स्थायी होगा, तो वहीं ईरान का कहना है कि अमेरिका की हार से स्थायी शांति की उम्मीद जगी है। इंग्लिश मीडिया एजुकेशन ओ कामकाज की भाषा को लेकर बात करते हुए इमरान खान ने कहा, जब आप दूसरे का कल्चर अपनाते हैं तो फिर मानसिक रूप से गुलाम होते हैं। याद रखें कि ये वास्तविक दास्ता से भी बुरा है। सांस्कृतिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ना आसान नहीं होता है। अफगानिस्तान में इन दिनों जो हो रहा है वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने जैसा है। बता दें कि तालिबान ने रविवार को काबुल शहर पर भी कब्जा जमा लिया और अमेरिका समर्थित सरकार के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर ही भाग गए हैं। वहीं काबुल एयरपोर्ट पर लोगों का हुजूम उमड़ रहा है जो देश छोड़कर निकलना चाहते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने अपने दूतावासों को ही बंद कर दिया है और राजनयिकों को वापस निकाल रहे हैं। वहीं ईरान, चीन, रूस और पाकिस्तान जैसे देशों ने तालिबान में अब भी अपने दूतावासों में काम जारी रखा है। इसके अलावा इनकी ओर से तालिबान की सरकार को मान्यता दिए जाने के भी संकेत मिले हैं। चीन ने तालिबान के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है और कहा है कि वो समावेशी सरकार देगा। चीन ने सोमवार को कहा, हम उम्मीद करते हैं कि तालिबान अपने वादे पर खरा उतरेगा और देश में खुली एवं समावेशी विचारों वाली सरकार बनाएगा। तो वहीं जर्मनी और नीदरलैंड्स ने अफगानिस्तान में बढ़ते तनाव के कारण अफगानों को अस्थायी रूप से रहने की इजाज़त दी है, जो राजनीतिक शरण लेने में नाकाम रहे हैं। इससे अपने ही वतन से बेघर होकर निकले अफगानियों को बड़ा ठिकाना मिला है। जर्मन गृह मंत्रालय ने बुधवार को DW को बताया कि अफगानिस्तान में खराब सुरक्षा स्थिति के कारण अफगान नागरिकों को देश से निकालने का फैसला हाल फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की वापसी के साथ तालिबान तेजी से देश भर पर नियंत्रण हासिल कर चुका है। अब तक कई बड़े शहरों समेत देश के तमाम हिस्सों पर तालिबान कब्जा कर चुका है। इसी के चलते खबर ये भी आ रही है कि तालिबान के खौफ से अफगानिस्तान छोड़ रहे लोगों को कनाडा अपने मुल्क में पनाह देगा। शुक्रवार को कनाडा की ओर से ये ऐलान किया गया। उन्होंने 20,000 से ज्यादा अफगान नागरिकों को अपने यहाँ पनाह देने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि ईरान, रूस और चीन की अमेरिका से कई मुद्दों पर असहमति रही है। ऐसे में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को ये तीनों ही देश अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं। रूस ने तो तालिबान से पहले ही बात शुरू कर दी थी। चीन ने सोमवार को कहा कि तालिबान को काबुल में मौजूद विदेशी मिशनों को सुरक्षा देने और सभी को लेकर चलने के अपने वादे पर काम करना होगा। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि अफगानिस्तान से जुड़ी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।